हे जगतर नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग जी, और आज सुबह भी हम गए थे वॉक के लिए, लेकिन उधर का अपने वीडियो नहीं बना पाई। हम तो गप्पे लड़ाते लड़ाते मैं भूल गई। आज हमको एक चंपा फूल हम लाने वाले थे। चंपा फूल लेकर हम मंदिर जाने वाले थे। चंपा फूल, दुदरा फूल और फूल ये सब लेकर हम जाने वाले थे। पिछले वीक हम गए थे, चंपा फूल तो नहीं लिए थे, लेकिन जो हमारा दुदरा फूल और धतूरा और हमारा होता है शिव जी का अति प्रिय, बहुत प्रिय है धतूरा और धतूरा फूल और फल, ये लेकर हम जाने वाले थे। तो हम मनीबाग जब गए थे उस टाइम हम लेकर आते थे, लेकिन हम तो ऐसे बातें में उलझ गए, ऐसे बातें करते करते जिस जगह पर हुआ था उस जगह से हम ले ही नहीं पाए। बाद में याद आया और इधर देखिए उठा रही थी, बेड को लगा रही थी चाय पीने के बाद, बेड को लगा रही थी और जो मॉस्किटो नेट मच्छरदान उसको उठा रही थी। सुबह का टाइम ऐसा काम है, ये सब कर रही थी। और जो लड़की हमारे घर आती है हमेशा, आजकल तो इतना फनी मूवमेंट कर रही है तो और भी मज़ा आता है देखने में, बहुत फनी मूवमेंट उसकी। कभी दान दिखा देती है, कोई भी कुछ काम करती है ना, मतलब कोई भी बदमाशी करती है, कहीं कीचड़ में घुस जाती है, कहीं भी कुछ करती है तो करने के बाद दान दिखा देती है, मुझे कोई गुस्सा नहीं करेंगे। सच में कहते हैं ना, मनुष्य जन्म बहुत ही पुण्य का जन्म होता है। ये देखिए लड़की, और ये आई थी सुबह सुबह हमारे घर, और हम सब मिलकर हम जाने वाले थे, इसलिए नहीं, उसके मम्मी हमारे घर में छोड़ के गई थी। सुबह का वो काम ख़त्म करेगी तो भी जाएगी, इसलिए मेरे पास छोड़ के गई थी। और ये मैं तो बेड लगा रही थी, बेड लगाने के बाद मुझे बागान में एक दो काम करना पड़ा था, एक दो काम करी, उस टाइम में वीडियो नहीं बना पाए। कोई होते तो वीडियो को बनाते और हमेशा स्टैंड को लेकर माय चैनल लिली ग्रीप ब्लॉग। फ्रेंड आप लोग कैसे, आप लोग बहुत अच्छे होंगे, भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से हम भी अच्छे हैं। हैप्पी सावन, हैप्पी सावन। चलिए हम चलते हैं मंदिर शिव जी को दर्शन करने के लिए। चलिए बने रहिए वीडियो पर, अलता भी लगा दी हूँ, देखिए। तो ये देखिए पैरों में अलता लगाई हूँ, उसके बाद हम मंदिर के लिए निकले। कोई रास्ता वगैरह कुछ नहीं बनाई थी तो मंदिर के लिए निकले हम। तीन जन गए थे, तो ये मैं ग्रिल को भी ताला लगा दी। और हम देखिए मंदिर भी पहुंच गए थे, मंदिर में शिव जी के पास हम भोग भी लगा लिए थे। और जो बच्ची की मम्मी ना वो गई थी मंदिर, वो भी पूजा कर रही थी। तो ये देखिए कितना भीड़ भाड़ है, बहुत ही भीड़ भाड़ है। तो इधर बाहर
दो जगह पर होता है, मंदिर के अंदर भी होता है और बाहर भी एक जगह है, वहाँ शिवलिंग है तो वहाँ भी पूजा कर रहे हैं। तो हम इधर ही पूजा करें क्योंकि कांवड़िया लोग ने एकदम से लाइन लाइन करके खड़े हुए हैं, तो हम जब लाइन करके पूजा ख़त्म करेंगे तो हमको हो जाएगा 12-1 बजे, इसलिए हम जल्दी ही पूजा कर। देखिए कितना लंबा लगा, बहुत बहुत पूजा पर्व मनाते हैं इसीलिए। देखिए और पूजा खत्म होने के बाद हम ये रिटर्न कर रहे थे और देखिए कितना कावड़िया है, कितना बहुत कावड़िया है। तो दो सोमवार तो हो गया और दो सोमवार करेंगे। इधर में दूध को बॉयल कर रही थी और दूध को बॉयल करने के बाद सब्जी कटिंग करी, डालमा बना रही थी। ये दूध को बॉयल तो कर ली और ये सॉरी दलमा तो इस टाइम नहीं बनाई, ये चिला बना रही थी। ये मंदिर से लौटने के बाद ही ये बना रही थी और जो लॉज है ना थोड़ी देर बाद बनाने वाली थी, इसलिए पहले चिला वो भी दही के साथ खाई। आज दही भी खिला भी हो गया था, दही के साथ आराम से बैठकर खाई तो एकदम मज़ा आ गया था, गर्मा गर्म बहुत ही मज़ा आ गया था। तो ये बर्तन वगैरह भी रखती तो बर्तन का भी रख रही थी क्योंकि सुबह का टाइम पूजा करके तो बहुत ही अच्छा लगता है, मंदिर कहीं जाओ लेकिन जल्दी जल्दी पूजा खत्म होने से अच्छा लगता है। किस किस को लगता है मेरे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ये भी चिल्ला भी तो हो गया था। ओ हो मेरा कान में खुजली हो रहा है, पता नहीं ठंड की वजह से शायद हो रहा है। और ये सब रख दी थी जो बर्तन वगैरह सब, और कपड़े भी आज ज़्यादा कुछ नहीं, जो कल पहनी थी वो कपड़े ही था और उसको ज़्यादा धुलना नहीं था क्योंकि लेट हो गया था ना, मंदिर गए थे इसलिए मुझे आज मन नहीं किया था, नहीं करी। और भी है उनका पेंट, वो कल करूँगी देखूँगी। तो ये कपड़े तो ज़्यादा कुछ नहीं था, मेरे जो नाइटी साड़ी वो सब था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और आज तो धूप हो रहा था, धूप बादल ऐसा हो रहा था। उसके बाद जो चिल्ला हो गया था तो चिल्ला को मैं दही के साथ खा रही थी। ये देखिए दही लेकर भी आई थी, मैं घर में ही दही लो जमाती हूँ। ये देखिए मैं आराम से बैठकर खाई और खाने के बाद ही बहुत अच्छा लगा। आज थोड़ा लेट पे मैं जो लंच बनाई थी, बहुत लेट बनाई थी, लगभग 12:30 बजे में बनाई और वो भी 40 मिनट के अंदर सारे ख़त्म कर दी हूँ। क्या कुछ भी नहीं, सिर्फ दालमा भाजी और चावल बना रही थी। तो ये बैठ कर आराम से खा रही थी और आप लोग एंजॉय कीजिए हमारा वीडियो को।
तो ये मैं किचन में ही सब्जी कटिंग कर रही थी, जब मुझे टाइम मिलता तो आराम से बैठकर फैन के नीचे बैठकर सब्जी कटिंग करती हूँ। लेकिन जिस दिन बिजी होती हूँ ना, मैं कहीं भी ये सब बिजी में सब कुछ इतना कंफर्टेबल ना हो तो भी हम कर लेते हैं। तो ये दालमा के लिए सब्जी कटिंग कर रही थी और झुरंग और आलू की भाजी बना रही थी, ऐसा सब है। Okay.